वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिना मेकओवर हैशटैग राजबाला। मैं राजबाला आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ और जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक जेल आईलाइनर और उसके साथ एक ब्रो पाउडर भी दिया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट है मेरे पास स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल आईलाइनर 2-in-1। ये 2-in-1 है और ये जो क्लेम करता है इसमें दिया हुआ है कि 24 आवर्स लास्टिंग है, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ है। तो अभी हम इसका स्वैच करके देखेंगे, आइस पे लगा के देखेंगे क्या ये रियल में जो क्लेम कर रहा है वो फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करती हूँ। पैकेजिंग में तो नो डाउट 10/10, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि जिसकी पैकेजिंग अच्छी हो तो उसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा निकले। तो इसीलिए इसका मैं रिव्यू आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप इस तरह का जेल आईलाइनर लेना चाहते हैं, मेरा जो इस तरह का जो मैंने जेल आईलाइनर लिया था, मेरी फ़र्स्ट परचेज थी मेबिलिन का, जो कि तब भी 500 का था और इस टाइम भी वो 500 का ही है। सेकंड जो मैंने परचेज़ किया था वो था म्यूज़िक फ्लावर का। म्यूज़िक फ्लावर वाला सेम है, उसमें एक तो ब्रो पाउडर दिया हुआ था ब्राउन कलर का और एक ब्लैक जेल आईलाइनर दिया हुआ था, लेकिन उसमें उसका जो पैकेट था वो इतना छोटा है और उसका जो ब्रश था वो भी बहुत छोटा था। लेकिन वो मेरा घर छूट गया है इसलिए मैंने ये न्यू परचेज़ किया है स्विस ब्यूटी का। इसमें एक मुझे फ़ायदा लगा, जो बेनिफिट है इसका, एडवांटेज है, वो ये है कि इसका जो एप्लीकेटर है, जो इसका ब्रश है, वो लॉन्ग है तो उसको अप्लाई करने में ईजी हो जाता है। टू साइडेड ब्रश है, जैसे म्यूज़िक फ्लावर वाले में दो ब्रश अलग अलग दिए हुए थे, पहला तो आईलाइनर को अप्लाई करने के लिए था पॉइंटेड ब्रश, सेकंड एंगुलर ब्रश दिया हुआ था जिससे कि हम आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही ब्रश है, लॉन्ग है, दोनों साइड दिया हुआ है, एक पॉइंटेड ब्रश है और सेकंड साइड जो है वो एंगुलर ब्रश है जिससे कि हम अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। ये जो बॉक्स है ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, लेकिन बहुत लग्जूरियस टाइप दिया हुआ है। इसमें शाइनी ब्लैक कलर और कॉपरिश कलर है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें इसका MRP दिया है 299 का, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने में लिया था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्राइस के साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी अगर आपको ये लेना है तो। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने से पहले इसके पीछे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। एप्लीकेशन ऑफ ड्रॉइंग पाउडर आईब्रो, एप्लीकेशन ऑफ ड्रॉइंग जेल आईलाइनर। तो इसमें दोनों, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दोनों दिए हुए हैं, आईब्रोज़ को आप कैसे फिल करें, कैसे अप्लाई करें और सेकंड आप अपने जेल आईलाइनर को किस तरह से यूज़ करें, वो दोनों चीज़ें दी हुई हैं इसमें। हाउ टू यूज़ दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं इसके और इसके कॉशन भी दिए हुए हैं कि आप वही के एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, अपने जो आईज़ में है इसको अंदर ना लगाएं क्योंकि ये आईलाइनर है, ये काजल नहीं है, तो इसको हम आईज़ के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे और चिल्ड्रन से दूर रखें, जो कि सारे प्रोडक्ट्स में दिया ही होता है। अब इसको खोल के देखते हैं। ये ऐसे स्लाइडिंग मोशन में ओपन होता है, ये देखिए। इसमें एक ये छोटा सा, अगर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रही हूँ, तो इसमें एक ये छोटा सा मुझे जार प्रोवाइड हुआ है जो कि देखने में बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, कैप सेम है, कॉपर कलर की कैप है। इसमें जब हम इसको ऊपर वाला ओपन करते हैं, ऊपर वाला लिड, तो उसमें हमें प्रोवाइड है ये ब्रो पाउडर, जो कि ये भी सेम ब्लैक कलर का है। इसको अब हम बंद कर देते हैं। अब मैं इसको ओपन करूँगी नीचे वाले कैप को, तो इसमें दिया हुआ है जेल आईलाइनर, जो कि आप आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, अपनी आईलिड पर यूज़ कर सकते हैं, आईलैशेस पर यूज़ कर सकते हैं, काजल को थोड़ा थिक बनाने के लिए आप अपने काजल के नीचे उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ जो मुझे मिला है वो है ये ब्रश, ये देखिए। पहला है ये, एक साइड है एंगुलर ब्रश और दूसरी साइड दिया हुआ है ये पॉइंटेड ब्रश। जो पॉइंटेड ब्रश है उससे हम अपने जेल आईलाइनर को अप्लाई करेंगे और जो सेकंड वाला जो ब्रश है वो है एंगुलर ब्रश, उससे हम अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने मंगवाया है purple.com से। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी विद प्राइस।
तो आप उसको, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। मैंने अभी आईज पे ना तो मैंने अपनी आईब्रोज को फिल किया हुआ है, ना ही मैंने काजल लगाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं आपको दिखा पाऊँ, मैं आपको डेमो दे पाऊँ और आपको ये भी बता पाऊँ कि ये स्मज फ्री है या नहीं है, ताकि आप लेने से पहले आपके मन में जो भी डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाएं। तो मेक श्योर इसको लगाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है उसकी अपडेट आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी, जिसके लिए कि मैंने आईब्रो पाउडर ले लिया है और एंगुलर ब्रश लिया है। वैसे मैं इसमें बता दूँ, इसमें एक छोटा सा क्यूट सा मिरर भी दिया हुआ है, जिससे कि अपनी आईज का आईलाइनर और आईब्रोज को फिल तो आप कर ही सकते हैं देखकर। तो मैं इसी में देखकर आईब्रो को अपनी फिल करूँगी। सबसे पहले कॉर्नर से लेके एक लाइन बना लेते हैं हम अपनी आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए। बस उसके बाद पूरी आईब्रोज में आप पाउडर को लगा लीजिए। ये पाउडर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ब्लैक नहीं लग रहा है, एकदम नेचुरल लुक दे रहा है आईब्रो को। अदरवाइज़ क्या होता है, जब हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी जेल पाउडर को, तो बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देता है। और ये भी देखा है मैंने कि जब हम ब्राउन वाला लगाते हैं तो वो एकदम से अननेचुरल लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे फेक लगाया हुआ है, क्योंकि आईब्रोज़ का मोस्टली सबका जो कलर होता है वो ब्लैक ही होता है। तो अगर हम उस पर आईब्रो ब्राउन फिल कर देते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने आईब्रोज़ को अपनी फिल कर लिया है पहले, और अब मैं आप डिफ्रेंस देख ही पा रहे होंगे कि आईब्रोज़ जो हैं थोड़ी डिफाइन लग रही हैं। अब मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी, जिसके लिए कि मैंने ये लिड को बंद कर दिया है, नीचे वाली लिड को मैंने ओपन किया है। पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से जेल आईलाइनर को थोड़ा सा लेना है और अपनी आईज पे लगाना है। मेक श्योर थोड़ा ध्यान रखें कि आप जो है आईज़ के अंदर ना लगाएं, वहाँ पे सिर्फ काजल ही अप्लाई करें, क्योंकि ये काजल नहीं है। सिर्फ काजल को थोड़ा मोटा दिखाने के लिए, थिक दिखाने के लिए, जिनको मोटा काजल लगाना पसंद है, और क्योंकि अभी समर्स है तो स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसी तरह का कोई भी जेल आईलाइनर आप लेके, ये एक हैक है कि जेल आईलाइनर को लेके आप काजल के नीचे लगाएं, जिससे कभी भी आपका काजल जो है स्मज नहीं होगा। अब मैं कर रही हूँ आईलाइनर अप्लाई। इसका मिरर बहुत छोटा है लेकिन काम चला हुआ है। अगर आप कहीं बाहर है और आपको ज़रूरत महसूस हो कि आपको अपना आईलाइनर लगाना है तो आप लगा सकते हैं इजीली देखकर। ये देखें, जब इस वीडियो को मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो आप तब की पिक देख सकते हैं और अब आईब्रोज़ को फिल करने के बाद और आईलाइनर लगाने के बाद आप इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं। अब मैं इसका जो स्वॉच है वो आपको अपने हैंड पर करके दिखाती हूँ, जिससे कि मैं ये बता पाऊँ कि क्या ये स्मच हो रहा है या नहीं। सबसे पहले पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से मैं अपने हैंड पर इस जेल आईलाइनर को लगाऊंगी। ये बिल्कुल जेड ब्लैक है,
और इधर मैं लगा रही हूँ आईब्रो पाउडर, जो कि एकदम नेचुरल लुक देता है लगाने के बाद। ऐसा नहीं लगता कि आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्लैक आईज की हुई है या बहुत ज़्यादा अननेचुरल लुक नहीं देता, एकदम नेचुरल फिनिश देता है, चाहे वो आईलाइनर हो चाहे आईब्रोज पाउडर हो। अब इसको थोड़ा सा सूखने के लिए वेट करते हैं। अब थोड़ी देर हो चुकी है तो अब मैं इसको स्मच करके देखती हूँ, क्या ये स्मच हो रहा है। Yes. स्मच हो रहा है लेकिन बहुत हल्का सा। वो इसलिए, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ जाती है और फिंगर्स जब हम मेकअप करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो फिंगर्स में जो आगे का जो टिप दिया होता है फिंगर्स की, उसमें स्वेटिंग हो जाती है। इस पे स्वेटिंग है, हैंड पे और फिंगर पे स्वेटिंग है, इसलिए जब मैं इसको रब कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा स्मच हो रहा है, अदरवाइज ये आईज पे स्मच नहीं होता है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये फिंगर पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है और आईज भी बिल्कुल जैसा मैंने लगाई थी वैसी ही है। तो अगर आप अफोर्डेबल रेंज में जेल आईलाइनर ढूंढ रहे हैं विद ब्रो पाउडर के साथ तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके साथ ब्रश भी बड़ा है और बाकी जो मैंने देखे थे कभी यूज़ नहीं किए। कुछ ब्रांड तो ऐसे थे कि जिनका नाम भी नहीं सुना मैंने, लेकिन स्विस ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट 90% अच्छे ही निकलते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट हैं जो अच्छे नहीं निकलते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।